रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में एक रोज के दौरान तारीखी कमी हुई है, जबकि माहिरीन का कहना है कि डॉलर मजीद सस्ता भी हो सकता है। मकामी करेंसी मार्केटों में बुध को जिस तरह गैर मामूली अंदाज में डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ, इसके बाद अब यह बहस छिड़ गई है कि डॉलर की कदर मजीद कितना गिर सकती है। करेंसी डीलर्स का ख्याल है कि आइंदा दिनों भी डॉलर की कदर में कमी आने का सिलसिला जारी रहेगा और उम्मीद है कि अगस्त के आखिर तक डॉलर 200 रुपये की सतह पर आ जाएगा। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मुल्क बोस्तान ने समा टीवी से गुफ्तगू में कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अमरीकी हुकाम से राबते के बाद उम्मीद है कि IMF की किस्त जल्द जारी हो जाएगी। उन्होंने कहा डॉलर की कदर मसनूई अंदाज में बढ़ाई गई थी, डॉलर की असल वैल्यू 180 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इसी से डॉलर बढ़कर इतनी बुलंद सतह पर पहुँच गया था। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा के मुताबिक स्टेट बैंक और दीगर हुकूमती इदारों की अदम तवज्जोही के बाइस इंटर बैंक में बड़े पैमाने पर सट्टाबाजी की वजह से डॉलर सीन कदर बुलंदी पर पहुंच गया था। ताहम हुकूमती इदारे अब मुतहर्रिक हो गए हैं, जिसके बाद डॉलर की कदर में कमी शुरू हो गई है। जफर पराचा का कहना है कि हुकूमती इदारे इसी तरह फाल रहे तो डॉलर रवा माह के आखिर तक 200 रुपए की सतह पर आ जाएगा और उसके बाद भी डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी रहेगा। ताहम उन्होंने खबरदार भी किया कि हुकूमत ने सस्ती का मुजाहरा किया तो सूरत हाल फिर खराब हो सकती है। वाज़े रहे कि स्टेट बैंक ने भी बुध को एक ऐलामिया जारी किया है, जिसके मुताबिक मरकजी बैंक की जानिब से करेंसी मार्केट की निगरानी सख्त की जा रही है। स्टेट बैंक के मुताबिक दो एक्सचेंज कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ।